और किसी दिन नहीं आने वाली, क्योंकि ये इनकी शायद लास्ट एंड आखिरी रात होने वाली है इन डैड एंड इस छोटे बच्चे की, क्योंकि इनके विलेज में कुछ बुरे लोग आ जाते हैं एंड क्रॉसबो एंड एरो की मदद से पूरे विलेज को जलाने लगते हैं, जिसके बाद उस छोटे बच्चे को चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। और जैसे ही वो बाहर देखते हैं कि पूरे विलेज वासी वहाँ पर हल्ला कर रहे हैं एंड मारे जा रहे हैं एक एक करके, बट ये चीज़ वो छोटा बच्चा देखता है एंड अपने डैड के पास चिपक कर रोने लगता है, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा डर था कि ये उसे और उसके डैड को मार न दे। इसके बाद उसके डैड फैसला करते हैं कि मैं अपने बेटे को कैसे ना कैसे करके बचा लूँगा, और अपने एक लामा में बैठा देते हैं एंड उसे लास्ट टाइम गले मिलते हैं, एंड जिसके बाद उस लामा को ज़ोर से पीछे से बंच करते हैं। और ये लामा उस छोटे बच्चे को कहीं दूर ले जाता है अपने डैड से। इसके बाद उसके डैड अपनी पिकेक्स लेते हैं और इन बुरे लोगों पर हमला बोल देते हैं, एंड यहाँ पर वो छोटा बच्चा उदास, अकेले एंड अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगता है कि कैसे उसे उसके विलेज में सब प्यार करते थे एंड अपने डैड के साथ वो कैसे प्यार से सोया करता था, बट आज वो अकेला हो चुका था और एक जंगल में आकर रुका हुआ था। इसके बाद वो लामा उस बच्चे को एक जगह पर लाकर रोक देता है एंड वो बच्चा अपने लामा को सहलाने लगता है, क्योंकि पूरी दुनिया में दूर दूर तक उस लामा के अलावा वो किसी को भी नहीं जानता था। जिसके बाद वो अपने लामा को पानी पिलाने के लिए उस नदी में ले जाता है। वो लामा उस छोटे बच्चे को प्यार करता है क्योंकि वो लामा उनका बचपन का एक पुराना पेट है, लेकिन पीछे से कुछ खूंखार डॉग एंड वुल्फ की फौज आ रही थी उनके पीछे एंड वो उन्हें दौड़ाने लगती है उस पूरे के पूरे विलेज में, जिसके बाद वो लामा अपनी पूरी जान से उस बच्चे को दौड़ाते दौड़ाते एक नदी पर और उस नदी के किनारे उस छोटे बच्चे को फेंक देता है, जिसके बाद उस लामा को वो बुरे डॉग खा लेते हैं उस बच्चे की आंखों के सामने एंड वो इस चीज़ को नहीं देख पाता एंड उस लामा का वहाँ पर मर्डर हो जाता है। और उसी टाइम आसमान से बारिश होने लगती है एंड बारिश होने के कारण काफ़ी सारे जॉम्बीज जागकर उस बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन उस बच्चे को लकीली एक अबेंडेंड विलेज मिल जाता है। अपनी जान बचाने के लिए उस जॉम्बी से उस घर में खटखटाने लगता है, बट वो घर अंदर से खाली था, जिसके बाद वो दूसरे घर में पहुंचता है एंड वहां का दरवाज़ा बंद कर लेता है। लकीली वो बच्चा इस घर में आकर सेफ फील करने लगता है एंड वो जॉम्बी बाहर बिजलियों में जल जाता है, एंड जिसके बाद सुबह होती है एंड वो बच्चा इतना ज़्यादा रोने के कारण वहीं पर सो गया था, और जिसके बाद उसे भूख लगती है एंड दूसरे दिन बीत जाने के कारण उसकी भूख और भी ज़्यादा तेज हो जाती है। बट वो विलेज का वो जो घर था वो काफ़ी पुराना घर था, जिसके कारण वहाँ पर अजीब अजीब चीज़ें रखी हुई थी, और वो बच्चा उन चीज़ों को देख कर परेशान हो रहा था, क्योंकि इस टाइम पर उसे सिर्फ कोई ना कोई खाने की चीज़ चाहिए थी, जिसके बाद उसे लगता है उस बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ खाने का होगा, बट वहाँ पर कुछ भी नहीं था, और वो ज़मीन में मुँह के बल गिर जाता है एंड वो जैसे ही एक कॉबवेब हटाता है एंड उस चेस्ट को खोलता है तो उस चेस्ट के अंदर से उसे तीन चीज़ें मिलती हैं, और वो कुकीज़ एंड एक पेज, एंड उस पेज में लिखा हुआ था एक पम्पकिन और तीन आयरन की ब्लॉक से एक मेटेलिक रोबोट बनेगा जो कि उन पिलेजर्स को जान से मारेगा, एंड जिसके बाद जैसा स्ट्रक्चर पेपर में था वैसा उसके सामने था। और उसके बाद वो धीरे धीरे करके पूरे विलेज में ढूंढने लगता है उस पम्पकिन को, एंड फाइनली लकीली उसे वो पम्पकिन मिल जाता है, एंड वो सोचने लगता है मेरी हाइट तो इतनी है नहीं कि मैं इसे बीच पे रख पाऊँ, एंड जिसके बाद वो थक हार कर वो इस चीज़ को छोड़कर उस पम्पकिन को वो पीछे फेंक देता है, जिसके बाद वो पम्पकिन ऑटोमेटिकली उस स्ट्रक्चर पर लग जाती है एंड जिसके बाद एक ऐसी चीज़ क्रिएट होती है
जिसने किसी का भी दिल जीत ले। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ थी, वो जो बच्चा था वो इस आयरन गोलेम से बहुत ज़्यादा डर रहा था। बट वो आयरन गोलेम समझ जाता है मुझे इसे कैसे मनाना है। एंड आप लोग को तो पता ही होगा कि ये जो आयरन गोलेम होते हैं वो हमें एक रेड रोज देते हैं, एंड ये इसकी निशानी है कि आयरन गोलेम हम इंसानों के कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं। और फिर उसके बाद वो दोनों अपने वापस विलेज में चले जाते हैं उन बुरे लोगों से बदला लेने के लिए। जिसके बाद वो आयरन गोलेम सोचता है कि क्या किया जाए, एंड उसे एक आइडिया आता है एंड वो उस बच्चे को अपने ऊपर बैठा लेता है, क्योंकि आयरन गोलेम रोबोट था एंड उसे इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। जिसके बाद वो आयरन गोलेम उस बच्चे को हर खुशी Domino's presents the four cheese pizza with four different kinds of cheese from the Domino's Cheezylicious range. Download the app now. खुशी देता है और वो उस बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव करता है जैसे कि वो उसका डैड हो। लेकिन वहां पर थोड़ी ही देर में वो खूंखार जानवर फिर से आ जाते हैं जिन्होंने उसके लामहा को जान से मार दिया था। जिसके बाद वो बच्चा रोने लगता है एंड आयरन गोलेम उन डॉग्स को देखता है एंड आयरन गोलेम उन डॉग्स से बिल्कुल भी नहीं डरता एंड एक डॉग को अपनी लात से वो पेड़ पर गिराता है एंड एक को हाथ मारकर समुद्र में फेंक देता है। आखिरी डॉग इतना देखते ही वहाँ से डर कर रफू चक्कर हो जाता है। जिसके बाद वो आयरन गोलेम और वो छोटा बच्चा एक साथ गले मिलते हैं और सामने की तरफ देखते हैं कि वो डॉग मर चुके हैं एंड उनकी वो लोग बीफ बनाते हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। एंड वो बच्चा जैसे ही गिर जाता है आयरन गोलेम उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। तभी उस बच्चे को एक ऐसा मिस्टीरियस सपना आता है। उस सपने में उसे ये पता चलता है कि वो जो बुरे लोग थे उसके डैड के पास जाते हैं एंड उसे अपनी शॉट से जान से मार देते हैं और उसे ये बात पता नहीं थी। एंड जैसे ही उसका सपना ख़त्म होता है तो नींद से जाग जाता है एंड वो लाइफ का उसकी सबसे ज़्यादा बुरा सपना था। और जिसके बाद वो आगे जाता है एंड आयरन गोलेम उसके पीछे आता है और उसे बिठा कर उसी विलेज में वो लोग आ जाते हैं। पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर आयरन गोलेम एंड वो छोटा बच्चा एक साथ आ चुके हैं। बट उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती कि वो इसे कैसे बताएंगे कि उसके डैड अब नहीं रहे। एंड वो अपने घर में भागा भागा जाता है एंड वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर उसके डैड नहीं रहते। एंड वो इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा उदास होने लगता है और तभी एक विलेजर उसे बताता है कि अब तुम्हारे डैड नहीं रहे। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है एंड अपनी डैड की याद करने लगता है। एंड वो फ्लावर वो अपनी डैड के सामने रखता है एंड अपने मन ही मन में ठान लेता है कि वो उन बुरे लोगों से बदला लेगा। और जिसके बाद वो अपने डैड की चेस्ट खोलता है जिसमें वो आर्मर्स थे जिसमें उसके डैड ने उसके लिए बनाए हुए थे एंड वो आर्मर्स वो उसे पहनता है। और जिसके बाद वो पूरा रेडी हो जाता है एंड वो बाहर निकल कर देखता है कि वो बुरे लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन उन बुरे लोगों को नहीं पता था कि इस बार अपना आयरन गोलेम इन विलेजर्स के साथ है और वो उन विलेजर्स को बहुत अच्छे से मार देते हैं एंड जिनके बाद वो विलेजर्स पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। गोलेम अपना एक हाथ मारते ही उन बुरे लोगों को ज़मीन पर ढेर कर देता था एंड वो बुरे लोग और भी ज़्यादा आने लगे थे। और एक बुरा आदमी आयरन गोलेम के सामने ही एक तीर कमान से अपना तीर शूट करता है उस छोटे बच्चे के ऊपर, जिसके बाद उसके ऊपर तीन और शूट आते हैं। जिसके बाद वो आयरन गोलेम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है एंड उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है। एंड आयरन गोलेम बहुत ज़्यादा गुस्से वाले मोड में आ जाता है एंड आयरन गोलेम में भी काफ़ी ज़्यादा तीर चलाए जाते हैं। बट आयरन गोलेम बना था आयरन का, इसलिए वो उन बुरे प्लेजर्स के पास जाता है और उन्हें एक बार में हाथ में उठाता है एंड उन्हें एक बार में गुस्से की नज़र से ज़मीन में पटक देता है। बाद अपनी आयरन गोलेम लात उठाता है एंड उनके मुंह में मार देता है
एंड वो सारे के सारे बंदे चारों खाने चित हो जाते हैं। और आयरन गोलेम और वो सारे विलेजर्स परेशान हो जाते हैं कि वो उस बच्ची का आखिर करे तो करे क्या। एंड जिसके बाद आयरन गोलेम उस बच्चे को नदी से पार करके, पहाड़ों से पार करके, खतरनाक एक विच के पास जाता है अपनी एक आखिरी उम्मीद लेकर कि वो उस विच से काफ़ी ज़्यादा प्रार्थना करेगा एंड वो विच उसकी मदद करेगी और उस छोटे बच्चे को वो वापस से जगाएगी कोई ना कोई तरीके से। और लकीली उस विच ने उस बच्चे को वापस से एक बार जन्म दे दिया अपने रीजनरेशन की पोशन की मदद से। एंड वो बच्चा एक और बार फिर से जाग जाता है एंड अपने आयरन गोलेम को वो डैड मानकर उनके साथ रहने लगता है। गाइस, अगली बार मैं सच्ची में किसी भी बच्चे से मिलूंगा तो मैं उसे कभी भी नहीं मारूंगा। एंड गाइस, तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं उस बच्चे को खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। एंड तुम्हारा भाई इस वीडियो में पूरे 400 लाइक्स का गोल लगा रहे हैं, सो प्लीज इसे कंप्लीट करवा देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाग गया है देखो, जैसे बबलू खेल रहा हो, अकड़ बकड़ बम्बे को 80-90 पूरे 100।